स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 जो कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। मैं स्टार्टिंग के अभी चैप्टर्स नहीं ले रही हूँ, मैं फिर रिपीट करूँ, मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं ले रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स में। मैं एंड वाले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हीं को करा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्क्राइब कराऊँगी जितने भी चैप्टर्स बचेंगे। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में फर्स्ट आ रहा है बच्चों डिफाइन। डिफाइंस लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं। फर्स्ट आ रहा है इसमें सीवेज। सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, जितना भी वेस्ट वाटर हाउसेज से निकलता है, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, या और भी जैसे शॉप्स वगैरह से निकल गया, मार्केट से निकल गया, एंड रेन वाटर, और जो रेन वाटर होता है जो कि बाहर आ जाता है, दैट रन्स ओवर लैंड कंटेनिंग वेस्ट मैटर सच एज एक्सक्रीटा। अब ये तो जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल से, इसके अलावा जो भी बारिश का पानी आता है, बारिश का पानी, बारिश होती है बच्चों तो वो सीधा ड्रेनेज में पहुंचती है, ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचती है, नदी नालों में पहुंचती है। लेकिन जब नदी नाले भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, ऊपर तक भर जाते हैं, तो क्या होता है, नदी नालों का जितना भी पानी होता है, वो वेस्ट जितना भी उनमें बह रहा है, वो गंदगी भी, सारी डर्ट भी अपने साथ में बाहर लेकर लैंड पर आने लगता है, तो वही सीवेज कहा जाता है। सेकेंड है स्लज। सॉलिड मैटर प्रोड्यूस्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी सीवेज का जितना भी वेस्ट मैटर होता है उसे अलग कर दिया जाता है और पानी को अलग कर दिया जाता है, तो उसमें जो भी वेस्ट मैटर, उसमें भी सॉलिड मैटर जो होता है, वो जो निकलता है, उसे को स्लज बोला जाता है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट इज सीवेज? अगेन ऊपर तो हमने डिफाइन किया था, इसी में आप और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, और नहीं डिस्क्राइब भी नहीं हो रहा है बच्चों, वही वाली चीज़ सेम आ रही है। व्हाट इज सीवेज? वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, एंड रेन वाटर दैट रन्स ओवर लैंड कंटेनिंग वेस्ट मैटर सच एज एक्सक्रीटा इज कॉल्ड अ सीवेज। तो दोनों का ही आंसर सेम आ गया है, आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। अगर डिफाइन में आता है तब भी हमारा यही आंसर रहेगा, और व्हाट इज सीवेज में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में आता है तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेम फोर डिजीजेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। वो फोर डिजीजेज यानी चार बीमारियां वो कौन सी हैं जो कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के कारण से होती हैं? तो फर्स्ट येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू एंड कोलेरा। येलो फीवर जैसे कि वो जॉइंडिस बोलते हैं, जॉइंडिस भी होता है, इसके अलावा मलेरिया है जो कि मच्छरों से होता है, डेंगू भी मॉस्किटोज का ही है, और कॉलेरा हैजा जैसे हिंदी में बोला जाता है, ये भी गंदे पानी की ही वजह से होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रीट सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ इन अ वाटर बॉडी? जितना भी सीवेज का ट्रीटमेंट क्यों करना ज़रूरी होता है जब उसे वाटर बॉडी में, यानी जैसे लेक्स में, रिवर्स में डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोज मतलब होता है बहा देना, आगे उनको और ज़्यादा बहा देना, तो उन्हें वाटर बॉडी में निकालने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है? आंसर इज, इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट सीवेज बिफोर, क्वेश्चन में से इतना पार्ट आ गया, बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ इन अ वाटर बॉडी। यहाँ से बच्चों, यहाँ से हमारा यहाँ एंड तक पूरा क्वेश्चन में से ये आ गया, विदाउट बीइंग ट्रीटेड इट कैन रिजल्ट इन अ मेजर हेल्थ हजार्ड्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अगर उन्हें बिना ट्रीटमेंट किए पानी को बहा दिया जाएगा वाटर बॉडीज में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड्स होंगे, यानी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, उसमें ह्यूमंस भी होंगे, उसमें एनिमल्स भी होंगे। एनिमल्स चाहे वो लैंड के हों या चाहे वो पानी के ही क्यों ना हों। एक्यूटिक एनिमल्स यानी वो आप लोगों ने सिक्स क्लास में ही पढ़ा होगा, एक्यूटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो उन लोगों के, उन एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कॉलेरा आउटब्रेक कॉमन आफ्टर फ्लड्स? फ्लड आने के बाद में, बाढ़ आने के बाद में ज़्यादातर कॉलेरा यानी हैजा फैलने के चांसेस क्यों रहते हैं? ड्यूरिंग फ्लड्स सैनिटेशन सिस्टम, जो सैनिटेशन सिस्टम है, जो गटर का पानी है, नदी नालों का पानी है, वो सब बाहर आ जाता है फ्लड के टाइम पर। बाढ़ आती है तो वो उसके साथ में सैनिटेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। कैन ओवरफ्लो, वो ऊपर बहने लगता है, लैंड पर आ जाता है, एंड दिस मे कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ में वो मिक्स हो जाता है, उसे भी गंदा कर देता है, एंड कॉजेज सीवेज टू बैक फ्लो। और इसमें इसके अलावा भी क्या होता है, सीवेज भी ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब जैसे पाइपलाइन टूट गई है तो गटर का पानी भी ऊपर आ जाता है, ये भी बहुत चांसेस रहते हैं। फॉर दिस रीज़न कॉलेरा आउटब्रेक, और इसकी वजह से क्या होता है, जो गंदा पानी है पी लिया जाता है, यूज़ में ले लिया जाता है, पानी पीने के बाद में वो सारी डर्ट सारी गंदगी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो उसकी ही वजह से कॉलेरा बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। मैक्सिमम चांसेस फ्लड के बाद में कॉलेरा फैलने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिटी देर आर सेपरेट पाइप्स फॉर डिस्पोजिंग सीवेज एंड स्ट्रॉन्ग वाटर। सिटीज़ में हर जगह पर है बच्चों, ये आज के टाइम में सिटीज़ में जो सेपरेट पाइप्स होते हैं किस किस के, जो सीवेज का पाइप होता है और स्ट्रॉन्ग वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर से मतलब होता है जब भी तूफान आता है, जब भी साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो उस टाइम पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दोनों पाइप्स अलग क्यों होते हैं? यहाँ पर यही है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है दोनों के पाइप्स अलग होने की। अब ये तो हमारा कॉमन सेंस है कि एक सीवेज का पाइप है, उसका उसमें जो पानी का प्रेशर होगा वो बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो तूफान का पानी होगा वो तो बहुत बहुत प्रेशर में होगा, तो उसमें पाइपलाइन फटने का भी डर रहता है। तो आंसर यही आ रहा है, इन अ सिटी द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर कलेक्टेड कैन बी वेरी लार्ज। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। दिस कैन कॉज ओवरफ्लोइंग ऑफ एंड ब्रस्टिंग ऑफ सीवेज पाइप्स। अगर ये दोनों सीवेज और स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप्स एक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सीवेज का पानी तो रहेगा ही, साथ में स्ट्रॉन्ग वाटर का भी पानी रहेगा, तो वो ओवरफ्लो होने का डर रहेगा, उसमें लैंड पर आने का डर रहेगा, और दूसरा पानी के पाइप्स जो होते हैं उन्हें भी फटने का डर रहेगा। इफ़ देर आर नो सेपरेट पाइप्स फॉर सीवेज एंड स्ट्रॉन्ग वाटर, अगर कोई भी इन दोनों में से पाइप अलग नहीं होंगे तब, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीवेज के पाइप फट गए तो सारी डर्ट सारी गंदगी सारी लैंड पर आ जाएगी, सब वाटर पाइप यानी जो ड्रिंकिंग वाटर उसके साथ फिर मिक्स हो जाएगी, तो वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा, वो भी सारा गंदा हो जाएगा। ऑल्सो द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर कैन नॉट बी प्रॉपरली ट्रीटेड इन अ ट्रीटमेंट। और इसकी वजह से और भी क्या होगा, जो लार्ज क्वांटिटी का स्ट्रॉन्ग वाटर है वो भी पूरी तरीके से प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, व्हाट प्रोसेस डज सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व। सीवेज ट्रीटमेंट में कौन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो फर्स्ट आ रहा है फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से होकर वो निकलता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में जैसे नेट लगा दिया जाता है, तो नेट में नेटिंग करने के बाद में जितना भी बड़ा जितना भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी का वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे पॉलीथिन्स हो गए, कोई बॉक्सेस हो गए, बॉटल्स हो गए, वो सब अलग हो जाते हैं। और फिर केमिकल में आ जाता है जैसे कि क्लोरीन की टैबलेट्स को, क्लोरीन की गैस को, क्लोरीन के पाउडर को यूज़ करने के बाद में वो उसको भी क्लीन किया जाता है। ये केमिकल वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, क्लोरीनेशन, क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं, ये पहले के टाइम में लोग घरों में भी अक्सर यूज़ किया करते थे अपनी जितना भी वाटर है उसे प्योरीफाई करने के लिए। और लास्ट बायोलॉजिकल होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो उस ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आप क्वेश्चन आंसर्स के ही पार्ट में मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 7, हाउ कैन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अकर फ्रॉम सीवेज इवन इन अ कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रिंकिंग वाटर फिर भी कंटेमिनेट हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, अगर सीवेज का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कवर हो तब भी ऐसा हो सकता है, तो वो कैसे हो जाएगा? अगर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से कवर है फिर भी पीने का पानी कंटेमिनेट कैसे हो जाएगा, गंदा दूषित कैसे हो जाएगा? आंसर, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन हैपन इन कवर्ड ड्रेन्स ऑल्सो। कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर में हो सकता है अगर वो ड्रेन्स कवर है फिर भी। अ कॉमन रीजन इज डैमेज्ड लीकी जॉइंट्स इन वाटर पाइप्स। एक कॉमन रीजन तो ये है कि अगर कहीं से पाइप्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, या छोटा सा छेद भी हो जाता है तो वो लीक करने लगते हैं, तो एक तो ये रीज़न है। वाटर पाइप्स इन एरियाज वेयर द वाटर पाइप्स एंड सीवेज लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर। जहाँ पे वाटर पाइप्स यानी ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स और सीवेज लाइन के पाइप्स अगर कहीं पर बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है तो ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कंटेमिनेशन होने के। हमें इस क्वेश्चन में बताना है बच्चों कि सीवेज में वेस्ट वाटर प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा और किस तरीके का कंटेमिनेट हुआ है, यानी किस तरीके का वो दूषित हुआ है, गंदा हुआ है, वो भी बताना है। आंसर इसका थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा। आंसर आएगा, व्हेन वी यूज वेस्ट एट होम, सॉरी वाटर, व्हेन वी यूज वाटर एट होम टू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स बाथ एंड फ्लश टॉयलेट्स। जब भी घरों में पानी का यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता जाता है, कपड़े वॉश करने के लिए, बर्तनों को धोने के लिए, नहाने के लिए और फिर टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ करने के लिए, इट बिकम्स डर्टी। तो इन सब की वजह से क्या होगा, पानी गंदा हो जाता है। दिस डर्टी वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। और यही सारा डर्टी वाटर वेस्ट वाटर में आता है क्योंकि इसे हम दोबारा से यूज़ नहीं ले सकते। जब भी कोई भी पानी ऐसा हो जिसे हम यूज़ नहीं ले सकते हैं तो वो वेस्ट वाटर में ही आता है। इट कंटेन्स यूरिन, फेसेस, डिटर्जेंट एंड डर्ट रिलीज्ड आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड फूड वेस्ट्स। अब इसके अंदर यूरिन होता है, बॉडी वेस्ट होता है, डिटर्जेंट सर्फ साबुन होता है, डर्ट और जो जितनी भी कपड़े धोने के बाद या यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को धोने के बाद जितनी भी गंदगी होती है वो भी निकलती है, और जितना भी फूड वेस्ट होता है। कई बार फूड भी तो छोड़ देते हैं, है ना, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, हमें खाने के बाद में वेस्ट फूड कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो वो भी सारा पानी के अंदर ही मिक्स हो जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज। अब इनसे क्या होगा, ये जो पानी को गंदा हुआ है तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलने लगती हैं या होने लगती हैं, जैसे कि सच इज जॉइंडस। जॉइंडस होता है जिसे हिंदी में पीलिया बोलता है। इसमें आइज इसकी पहचान होती है, आइज बिल्कुल येलो हो जाती हैं और बहुत सारे इसके वो होते हैं सिम्टम्स, जैसे कि जॉइंडस हो गया, यहाँ पे कॉलेरा हो गया, अगेन हैजा जिसे हिंदी में बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, आर प्रेजेंट इन इट। इन सब की बीमारियों से अगर ये हो जाता है तो इन किसी भी ह्यूमन बींग की इसमें डेथ भी होती है। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज। अब वेस्ट वाटर ये तो घरों में हो रहा है, जितना भी बताया गया ये सारा घर का ही वेस्ट वाटर है। अब वेस्ट वाटर और कहाँ जनरेट हो रहा है, बन रहा है, इंडस्ट्रीज में निकल रहा है, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेस एंड अदर प्लेसेस। इनके अलावा और भी जगह में होता है, आपके स्कूल्स में भी होता है, तो बहुत सारी जगह, हर जगह पानी का यूज़ होता है, तो हर जगह जहाँ जहाँ पानी का यूज़ होता है मोस्टली वहाँ पर वेस्ट वाटर निकलता है। इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट जो भी होता है कंटेन्स पॉइजनियस केमिकल्स। जो इंडस्ट्रीज में जो भी वेस्ट वाटर निकलता है वो उसके अंदर जहरीले केमिकल्स घुले हुए होते हैं। वेस्ट वाटर
वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, मे कंटेन सेवरल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स. उस हॉस्पिटल से जो भी पानी निकल रहा है वेस्ट वाटर के रूप में, उनमें बहुत सारे तरीके के जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं और डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी होते हैं. रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द लैंड, अब रेन वाटर जो लैंड पर बह रहा है ऑल्सो फॉर्म वेस्ट वाटर, वो भी एक तरीके का वेस्ट वाटर ही तो है, उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में अगर वो लैंड पर बह रहा है. तो रेन वाटर को अगर हमने किसी टब में, बकेट में, कहीं पर भी हमने इकट्ठा कर लिया तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो लैंड पर है तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी वेस्ट वाटर में ही आता है. इट मे पिक अप वेरियस कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग सॉइल पार्टिकल्स. अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बहुत तरीके की गंदगी हो सकती है, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स मिट्टी के कण हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, एनिमल्स का वेस्ट हो सकता है, ऑयल एंड ग्रीस भी होता है, क्योंकि पानी तो कहीं से भी बहकर आ रहा है. इट मे ऑल्सो पिक अप ह्यूमन फेसेस, इनके अंदर ह्यूमन फेसेस से मतलब जो ह्यूमन बॉडी का वेस्ट होता है वो भी होता है. इट ऑल्सो पिक्स अप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अगेन बारिश तो हर जगह हो रही है, कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं हो रही है कि केवल आपके घर में हो रही है, आपके आसपास के बहुत सारे बड़े एरिया में, सिटी में, हर जगह होती है. तो हर जगह होती है तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, फसल होती है, क्रॉप्स हो रही हैं, तो वहाँ के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, अगेन ये भी जहरीले ही केमिकल्स होते हैं जिनमें कि कीड़ों को मारने की दवाइयाँ घुली हुई होती हैं, तो वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये वेस्ट वाटर में आता है. आई होप ये आपको पूरा आंसर क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा बच्चों. नेक्स्ट लेते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज. अब अगर इम्प्रॉपर ड्रेनेज होगा तो उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, यानी खड़ी हो जाएंगी. ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सीवेज मे कलेक्ट इन पूल्स एंड स्टैग्नेट. अब यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर ड्रेनेज होगा उसकी वजह से जो सीवेज होगा वो पूल्स में कलेक्ट हो जाएगा और एक जगह ही रुक जाएगा. स्टैग्नेट होता है एक जगह रुक जाना. इसकी वजह से क्या होगा, दीज आर परफेक्ट प्लेसेस. अब यहाँ पर ये परफेक्ट प्लेसेस किसके लिए हो गए, फ्लाइज और मॉस्किटोज के हो गए, उनकी ब्रीडिंग के लिए हो गए. यानी वहाँ पर वो अब ब्रीडिंग कर सकती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज, वो इनके लिए बहुत परफेक्ट जगह बन जाती है. दिस मे स्प्रेड डिजीजेस. इसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा मॉस्किटोज अब फ्लाइज जब बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलेंगी, सच एज येलो फीवर, मलेरिया एंड डेंगू. डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स सच एज दोज ऑफ कॉलेरा कैन ऑल्सो ग्रो. और इनके अलावा बहुत तरीके के और कौन से जर्म्स की वजह से क्या होगा, कॉलेरा भी फैलने लगेगा. एंड मल्टीप्लाई इन स्टैग्नेंट वाटर. और क्या होगा, जो वेस्ट वाटर के रूप में ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर लीड्स टू इम्प्लेजेंट अनप्लेजेंट स्मेल. और इसकी वजह से क्या होगा, जब वेस्ट वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत कई बार वो बहुत ज़्यादा बदबू भी देने लगता है, बहुत ज़्यादा गंदगी, गंदी स्मेल भी आने लगती है. थर्ड क्वेश्चन, वॉट डेंजर रिजल्ट्स फ्रॉम इम्प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम इन अ सिटी. अब इम्प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम का अगर सिटी में हो सकता है इम्प्रॉपर रहेगा अगर वो, तो उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट क्या रहेगा. इफ़ अ सिटी डज नॉट हैव प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिस वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. अब ये अगर तूफान वाला ही पानी का अगर प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, सारा पानी ओवरफ्लो होने लगेगा गलियों में, जो भी सिटीज़ हैं, लैंड है, घरों में, हर जगह पर बहने लगेगा.
मे इवन एंटर हाउसेज, और वो घरों में भी घुस जाता है. दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी. और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ यानी लोगों के जो हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है. प्रॉपर्टी पे कैसे पड़ेगा बच्चों, जब पानी अंदर घरों में घुस जाएगा तो सारा तो घर का सारा सामान भी ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, बेकार हो गया. और कई बार जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें घर भी गिर जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, कई बार ये भी होता है. सैनिटेशन सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम कैन ओवरफ्लो ड्यूरिंग फ्लड्स. सैनिटेशन सिस्टम जब बाढ़ आ जाती है तो वो भी ओवरफ्लो होने लगती है, जो मैंने आपको बताया था, गटर का पानी भी बाहर आने लगता है. देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लड वाटर कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जब फ्लड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, यानी उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया तो वो पूरी तरीके से दूषित कर दिया, गंदा कर देगा पानी को. ब्रस्टिंग पाइपलाइंस, पाइपलाइंस भी फटने का डर रहता है और अक्सर फट जाती हैं ऐसा अगर होता है कुछ प्रॉब्लम, एंड कॉज सीवर्स टू ओवरफ्लो, बैकफ्लो और इवन ब्रेक. और ऐसे ही सीवर्स, जैसे कि वही मैंने आपको गटर का बताया था जहाँ पे सीवर सिस्टम होता है, वो भी कई बार ऊपर बाहर आ जाता है सारा, सारी ऊपर. कई बार हमने देखा है ना, जैसे मुंबई की साइड में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो चारों तरफ हम टीवी में, न्यूज़ में भी देखते हैं या और भी जगह मीडिया में देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है. लोग कमर तक पानी में जा रहे होते हैं अपने काम पर या कहीं पर भी जा रहे हैं. लेकिन उसमें क्या होगा, जहाँ पे नदी नाले या गटर खुला हुआ है वो भी नहीं दिखाई देता, तो सारी गंदगी भी बाहर उनके ऊपर लैंड पर बहने लगती है और कई बार वो टूट भी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन द मेन स्टेप यूजिंग इन सीवेज सिस्टम. सीवेज सिस्टम ट्रीटमेंट में जो भी मेन स्टेप्स हैं उनके बारे में बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. द मेन स्टेप्स यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट आर, फर्स्ट आ रहा है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में भी फर्स्ट पॉइंट आ रहा है. द वेस्ट वाटर इज फर्स्ट पास्ड थ्रू स्क्रीन्स, स्क्रीन्स से सबसे पहले वेस्ट वाटर को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसका साफ पानी करा जाता है, तो सबसे पहले वो स्क्रीन से होकर निकलता है. और वर्टिकल बार्स विच रिमूव्स लार्ज सॉलिड वेस्ट, और वर्टिकल यानी लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी सी बार्स लगी हुई होती हैं स्क्रीन में, जो होता है बार लगी हुई होती है जिसके अंदर जितना भी बड़ा बड़ा सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्टिक्स हो गई, बॉटल्स हो गए, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी सॉलिड वेस्ट होता है वो सब वहीं रुक जाता है. और वो वहाँ पे रुक जाता है तो आगे पानी बह जाता है. तो यहाँ पर एक काम हो गया, वेस्ट वाटर में जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो वहाँ रुक जाता है. सेकेंड पॉइंट आ रहा है इसमें, द वाटर इज देन पास्ड, इसके बाद में इसके बाद में क्या होगा, जो बार्स के बाद से होकर निकला है वेस्ट वाटर, देन पास थ्रू सेटिंग टैंक्स नोन एज ग्रिट चैम्बर्स. फिर सेटिंग टैंक्स से होकर निकल जाता है, जिसे कि ग्रिट चैम्बर्स बोला जाता है, ये नाम है बच्चों ग्रिट चैम्बर्स. इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड सो दैट सॉलिड सच एज सैंड, सारा मोटा मोटा बड़ा बड़ा तो वेस्ट है वो यहाँ रुक गया. अब उसके बाद में जितनी भी सॉलिड, जैसे कि सैंड हो गई, मिट्टी, सिल्ट, ग्रेवल्स है, ये सारी यहाँ इस पॉइंट पर आके रुकती हैं, कहाँ पे, ग्रिट चैम्बर्स में आके रुकती हैं. तो आप उसी से इमेजिन कर सकते हैं कि आपने जैसे पानी के अंदर आप एक मग में डालेंगे, तो मग में आपने पॉलीथिन डाला, रेत मिट्टी डाली, तो पॉलीथिन अलग हो जाएगी जब आप बड़ी बड़ी बार्स में डालेंगे उसको, और फिर जो रेत मिट्टी है वो ग्रिट चैम्बर्स में आकर रुक जाएगी. फिर आ रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, थर्ड पॉइंट. आफ्टर दिस, अब इन दोनों पार्ट के बाद में क्या होगा, द वेस्ट वाटर पासिस इंटू द सेडिमेंटेशन टैंक.
अब सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें जिसे कि क्लैरिफायर बोला जाता है, अब यहाँ से होकर निकलता है। इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल डाउन, जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी होता है वो नीचे बैठ जाता है। एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर, और उसके बाद से स्क्रैपर से उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसको खुरच कर बोलते हैं, उसे रिमूव कर दिया जाता है। फ्लोटिंग मटेरियल्स जो कि पानी में ऊपर तैरता रहता है, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वो भी यहाँ पर स्किमर के थ्रू उसको भी रिमूव किया जाता है। तो स्किमर से क्या रिमूव हुआ? ऑयल और ग्रीस रिमूव हुआ। और स्क्रैपर से क्या रिमूव हो गया? जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे बैठ गया है वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट आपके लिए यूज़फुल आए हैं जो मैंने अभी बताया, कि स्क्रैपर से रिमूव हुआ है जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, और स्किमर से रिमूव हुआ है ऑयल और ग्रीस। द वाटर दैट इमर्ज फ्रॉम द सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब जो सेटलिंग टैंक में जो वाटर इमर्ज हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया है? क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं उसे। प्राइमरी के बाद में कौन सा ट्रीटमेंट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, एयर इज पास्ड थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर। अब यहाँ से एयर पास करी जाती है जितना भी क्लैरिफाइड वाटर है उसके अंदर से, इन एन एरेशन टैंक, एरेशन टैंक के अंदर। दिस अलाउज एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर वो ग्रो हो जाए और जितना भी ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं उसे वो कंज्यूम कर लें, यानी उन्हें वो खा लें। द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और जो वाटर है वो उसमें से निकल जाएगा, पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। द वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग क्लोरीन। अब लास्ट में क्या आ जाता है? क्लोरीन को ऐड किया जाता है। क्लोरीन की टैबलेट्स बहुत सारे लोग अपने घर में जो पीने का पानी होता है, जिनके अब तो एक्वा गार्ड्स लगने लगे हैं, आरोज लगने लगे हैं घरों में, बहुत तरीके की मशीन्स लगने लगे हैं, प्योरीफायर लगते हैं, लेकिन पहले के टाइम में कई बार बहुत से घरों में क्लोरीन की टैबलेट्स वो डाल दी जाती थी पानी के अंदर, जिससे कि जितना भी कंटेमिनेट पानी होता था वो जर्म्स फ्री हो जाता था, यानी वो डिसइंफेक्ट हो जाता था। अब यहाँ पर भी ये क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं टू इट, और बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज। और दूसरा भी होता है जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी के जर्म्स को किल करने के लिए। दिस किल्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स। इन ये जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी किल्स किल कर देते हैं जितने भी डिजीज़ के कारण वाले जर्म्स होते हैं उन्हें। द वाटर कैन नाउ बी रिलीज इंटू द वाटर बॉडी। अब इन सब प्रोसेस के बाद में ये पानी साफ हो गया, अब इसे वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। सच एज अ रिवर और लेक, जैसे कि रिवर और लेक में। एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, और फिर उसके बाद में ये पानी जितना भी एग्रीकल्चर में, क्योंकि फसल को, खेती को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ऐसे ही इंडस्ट्रियल पर्पस इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, इस वाले पानी को। आई होप आप सबको ये पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। इन व्हाट वेज इज द स्लज ऑब्टेंड फ्रॉम अ WWTP यूज्ड। अब WWTP के टाइम जब होता है उसके अंदर में स्लज को कैसे निकाला जाता है? द स्लज इज यूज्ड टू ऑब्टेन मीथेन। स्लज को मीथेन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमस के थ्रू करा जाता है ऑब्टेन लाइक मटेरियल बाय अ प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग। ये डिकम्पोजिंग होता है इसमें स्लज विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एनोरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है। अगेन इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसका जितना भी वेस्ट होता है उसे कंज्यूम कर लेते हैं।
ड्राइड स्लज जो स्लज सूख जाता है कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर. जब ये स्लज सूख जाता है पूरा बैक्टीरिया ने उसका वेस्ट निकाल दिया और स्लज सूख गया तो फिर उसे फर्टिलाइजर के रूप में उसे यूज कर लिया जाता है. द मीथेन फॉर्म्ड कैन बी यूज एज अ फ्यूल. और जो मीथेन बन जाता है वो फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है. तो आपने देखा होगा बच्चों जितना भी वेस्ट होता है वाटर जितना भी गंदा पानी है वो कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया गया फिर उसके बाद वो वाटर जो वेस्ट वाटर को क्लीन किया गया है उसे कहाँ कहाँ यूज़ करा और जो स्लज है उसे भी हर तरीके से यूज़ करा गया है कहीं से भी वो वेस्ट नहीं रह गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन ईच वन ऑफ अस हेल्प इन मेकिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इन आर सिटी मोर एफिशिएंट. अब यहाँ पर क्वेश्चन हम सब के लिए आ गया है सिटीज़न के लिए आ गया है कि हम सब कैसे सीवेज ट्रीटमेंट को हेल्प कर सकते हैं अपनी सिटी में और भी ज़्यादा उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चों केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने के लिए भी हैं जो हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं. आंसर डू नॉट डिस्पोज ऑफ कुकिंग ऑयल एंड फैट्स इन द किचन सिंक. हम कभी भी हमें कुकिंग ऑयल जो भी तेल है या कोई भी चिकनाई वाली चीज़ है वो कभी भी सिंक में नहीं डालनी चाहिए किचन सिंक में. दे कैन ब्लॉक पाइप्स. इसकी वजह क्या है वो पाइप्स को ब्लॉक कर सकती हैं व्हेन दे हार्डन. जब वो हार्ड हो जाएंगी जम जाएंगी तो वो पाइप को ब्लॉक भी कर सकती हैं. थ्रो देम इन डस्टबिन. अगर उन्हें किसी कारण से डिस्पोज भी करना है फेंकना भी है तो डस्टबिन में फेंकेंगे. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों आप अपने घर में अपने बड़ों को भी सिखा सकते हैं बता सकते हैं. डू नॉट डिस्पोज ऑफ यूज्ड टी लीव्स. कभी भी टी लीव्स को भी नहीं डालना चाहिए सिंक में. सॉलिड फूड रिमेन्स सैनिटरी नैपकिन्स एट्सेट्रा इन द किचन सिंक. किचन सिंक में कभी भी ये सैनिटरी नैपकिन्स हो गए हैं सॉलिड वेस्ट हो गया है फूड का जो भी मतलब छिलके होते हैं या कोई खाना बच गया है तो उसे भी कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए और इन द टॉयलेट ना ही टॉयलेट्स में डालना चाहिए. दे क्लॉग ड्रेन्स. क्लॉग का मतलब होता है बंद कर देना ब्लॉक कर देना. तो वो ड्रेन को भी जाम कर सकते हैं बंद कर सकते हैं फंस जाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होंगी ये ड्रेन में फंसने का काम कर सकती हैं फंस जाएंगी तो उसकी वजह से पूरी तरीके से वो बंद हो जाएंगी. एंड प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटरफियर्स विद द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. और जो भी जितना भी ये ऑक्सीजन का जो भी काम है ये सारी पूरी तरीके से ये भी रुक जाएगा. थ्रो देम इन डस्टबिन. अगर इन्हें फिर भी कहीं फेंकना है तो इन्हें भी डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. मेंशन थ्री वेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर सीवेज डिस्पोजल. वो थ्री वेज हमें बताने हैं जिसमें कि सीवेज डिस्पोजेबल की बात हो रही है. इफ़ अ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट अवेलेबल. अगर कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है. आंसर वन ईच मेथड इन्वॉल्व्स मेकिंग अ सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक को यूज किया जा सकता है. द सीवेज इज अलाउड टू फ्लो इनटू द टैंक. जो सीवेज वाटर होता है वो टैंक के अंदर बहता है. इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द वेस्ट. इसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरियाज इस जितना भी वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज मतलब होता है बच्चों कि उनको पूरी तरीके से वो कंज्यूम कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं. अनदर दूसरा मेथड एक तो ये मेथड हो गया. दूसरा मेथड क्या है अलाउज द एक्सक्रीटा टू फ्लो इनटू अ बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट में जितना भी एक्सक्रीटा है मतलब जितना भी वेस्ट है बॉडी वेस्ट है या कोई भी गंदगी है वो बायो प्लांट में डाल दिया जाए. थ्रू कवर्स ड्रेन. कवर्ड ड्रेन के थ्रू द बायोगैस प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज एज अ फ्यूल. बायोगैस ये एक तरीके का फ्यूल का काम करता है.
A new method recently tested in India is to use red worms. अब इंडिया में रिसेंटली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया है. वो क्या, कौन सा मेथड है? रेड वॉर्म्स का. रेड वॉर्म्स टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा. रेड वॉर्म्स के थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है उसे ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो वो रेड वॉर्म्स के थ्रू किया जाता है. एंड कन्वर्ट इट इंटू वर्मी कंपोस्ट. और उसके बाद में रेड वॉर्म्स के थ्रू ही इसे वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल बन जाएगा. दिस मैथड इज सिंपल. ये जो मैथड है ये बहुत सिंपल है, हाइजेनिक है एंड लेस वाटर, यूजेस लेस वाटर. ये एल है बच्चों, और इसके अंदर पानी भी बहुत कम यूज में आता है. आज के टाइम में तो पानी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कम से कम पानी में करो. और अब तो कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, तो कितना पानी तो ऐसे ही निकल जाता है ना. आप लोग भी करते हैं ना हैंड वॉश, तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों. हैंड वॉश तो ज़रूर ही करना है, कोरोना का टाइम चल रहा है. अच्छा चलिए, यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए हैं. लास्ट हमारा हॉट क्वेश्चंस आ रहा है. इसमें फर्स्ट आ रहा है, विच पाइप्स शुड बी बिगर. कौन सा पाइप बड़ा होना चाहिए? दोज यूज्ड फॉर सीवेज डिस्पोजेबल, डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोज करने के लिए. दोज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर. एक तो सीवेज डिस्पोजल के लिए और दूसरे स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल के लिए कौन से पाइप्स यूज़ करने चाहिए? तो इसमें आंसर है, स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल पाइप्स शुड बी बिगर. स्ट्रॉन्ग वाटर का हमेशा पाइप बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर जो तूफान का पानी होता था, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा, तो उसके प्रेशर को रोकने के लिए हमेशा पाइप बड़ा होगा. बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर कैन बी वेरी लार्ज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर का जो प्रेशर होगा वो बहुत बड़ा होगा. सेकेंड क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ती हूँ बच्चों. वी रियलाइज, ये है, वी रियलाइज दैट प्लास्टिक बींग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. हमें पता है कि प्लास्टिक, किसी भी तरीके का जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी वो आसानी से नहीं ख़त्म होता. आर एन एनवायरमेंटल हजार्ड, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है. हजार्ड खतरा बोलते हैं. हाउएवर व्हाइल डिस्कसिंग द चोकिंग ऑफ सीवेज ड्रेन बाय प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, चोक यानी रुक जाना, सीवेज ड्रेन्स प्लास्टिक की वजह से रुक जाती हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं. वाई डू वी ओनली टॉक अबाउट प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड नॉट फॉर अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. हम केवल इस बारे में जो ये सारी बात हो रही है कि प्लास्टिक की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये खतरनाक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो केवल हम कैरी बैग्स के लिए यानी पॉलीथिन्स वगैरह के लिए ही क्यों बोलते हैं? हम इसके अलावा और भी तो प्लास्टिक का सामान आता है, जिसके अंदर हमारा खाने पीने का सामान भी पैक होता है प्लास्टिक में, और प्लास्टिक के कवर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब के लिए क्यों नहीं बोला जाता? जैसे प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं, प्लास्टिक टीवीज वगैरह, सारी प्लास्टिक का ही तो सामान है कंप्लीट, तो उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता? आंसर, बिकॉज द क्वांटम ऑफ प्लास्टिक डिस्पोज्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग इन मैनी टाइम्स मोर देन द क्वांटम ऑफ डिस्पोजल डिस्पोज्ड ऑफ एज अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. अब इसमें क्या है, आप पॉलीथीन लाए हैं मार्केट से, मार्केट से पॉलीथीन लाए, आपने उसके अंदर का जो भी सामान था खाया पिया और फेंक दिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता, इतने सारे लोग. अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं या मैरिज पार्टी में गए हैं, और आप लोगों को प्लास्टिक बैग्स में कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, खाने पीने का कुछ सामान मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें खाने पीने की, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 उस प्लास्टिक बैग को के सामान को यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको फेंक देंगे,
यानी उसका यूज खत्म हो जाएगा। तो लेकिन इनका जो होता है वो प्लास्टिक बैग्स का बहुत ज़्यादा यूज में होता है डिस्पोज करने में। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बकेट्स हो गया, टीवी कैबिनेट्स हो गए, या मग्स हो गए, या आपके टम्बलर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी आप ध्यान करके देख सकते हैं, क्या आप उसे डेली यूज़ करते हो, डेली फेंकते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम सालों साल यूज़ करते हैं, बहुत बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं, तो वो ईजिली हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक बैग्स नॉर्मली गेट डिस्पोज ऑफ आफ्टर अ सिंगल यूज़, क्योंकि प्लास्टिक बैग सिंगल यूज़ के बाद ही उसे डिस्पोज कर दिया जाता है, उसे वेस्ट यानी फेंक दिया जाता है। वेयर इज वन बकेट में बी डिस्पोज ऑफ आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ यूज़, जिसमें कि एक बकेट, एक बाल्टी, एक टम्बलर, एक मग, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो कई कई सालों तक आप यूज़ में ले सकते हैं। इसीलिए इन प्लास्टिक्स का यूजुअली मतलब टर्म्स को यूज़ नहीं किया जाता कि इनकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है या ये एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है। जो भी क्वेश्चन में पुटअप किया गया है वो इनके लिए नहीं होता, मेनली प्लास्टिक बैग्स के लिए ही होता है, क्योंकि वो सिंगल यूज़ की वजह से वो ईजिली डिस्पोज कर दिए जाते हैं, दिन में कई कई बार भी यूज़ करके डिस्पोज कर दिए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन क्लियर हो गया होगा, और मैंने चैप्टर का मोस्टली पार्ट चैप्टर का कवर कर दिया है। जब मैं आपको चैप्टर भी कराऊंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही फैमिलियर होंगी, बहुत से पहले से ही आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर्स में ऑलमोस्ट कवर कर दिया है पूरा चैप्टर। तो बच्चों आप प्लीज़, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है और पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह शेयर कीजिए, जिससे कि उन सब बच्चों को भी हेल्प मिल सके जो जिन सबको इनकी ज़रूरत है क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए, टिल देन बाय बाय।